सम्मान किया जाएगा सम्मान पत्र दे करके, जिसमें माता की चौकी और भगवान परशुराम के गुणगान के लिए कपूर जी का ऑर्केस्ट्रा रखा गया है, और साथ ही 2 से 3 हज़ार ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था भी की गई है। भगवान के जन्मोत्सव पर समस्त साधु संत और ऋषि मुनियों के सम्मान की विशेष व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम एक वृहद रूप में कार्यक्रम आयोजित है, और आज सद्गुरु भगवान का हमको आशीर्वाद मिला है, और इनके आशीर्वाद से हमें इस बात के लिए आशान्वित है। ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर और ज्ञान होना चाहिए, समाज को गाइड कर सके। अपने आप में ब्राह्मण विरक्त होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, तो ब्राह्मणों की अपने आप महिमा बढ़ेगी। तो ब्राह्मणों को भी अपने को सुयोग्य बनाना है, और समाज को भी जागृत करना है कि ब्राह्मण जब गाइड करेगा किसी भी चीज को, वो समाज में उन्नत होगी, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो ये हमारे पिंड में दिखाई देता है, शरीर में दिखाई देता है। ब्राह्मण मुख है, मुख के माध्यम से इसमें जिहवा है, बोला जाता है, कुछ रस दिया जाता है, वो शरीर के लिए और समाज के लिए उन्नत होता है। तो ब्राह्मणों की प्रमुखता बहुत आवश्यक।